हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डेविड और आप देख रहे हैं टैटू ट्रेनिंग चैनल। दोस्तों, तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो कॉइल मशीन के ऊपर सीखने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको किट लेने के लिए नहीं कह रहा हूं और उसके ऊपर वीडियो इसलिए नहीं बना रहा हूं क्योंकि दोस्तों आपको पहली बात तो मालूम होना चाहिए कि सामान का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी ताकि आप जाके किट उस हिसाब से लें। अभी जैसे मैंने पिछले टाइम पूरे डिटेल बनाए थे, उसके बाद भी लोग रेट्स को लेके थोड़े इशू हो रहा था, तो मैं समझ गया लोगों को नॉलेज किस बात का नहीं है कि किट के बारे में नॉलेज नहीं है कि और मशीन्स के बारे में नॉलेज नहीं है और लोग कुछ भी ले जा रहे हैं। तो पहले नॉलेज ले लो, फिर आप अपनी किट बना लो खुद ही, ठीक है। तो अभी कॉइल मशीन के बारे में आपको क्या पता है? आपको सिर्फ इतना पता है कि टैटू बनाता है। कुछ लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता है और कुछ लोगों को तो बिल्कुल पता नहीं। कॉइल मशीन इसके लिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक दो कॉइल लगी होती है। आप मेरे सामने देख रहे हो स्क्रीन पर कि ये दो कॉइल लगी है इसमें टैटू मशीन में, ठीक है। ये पूरी कॉइल मशीन इसके लिए इसको कहते हैं, इसके बेस पे ही ये पूरा चलता है, ठीक है। तो इस कॉइल में ना आपको ये जो वीडियो में बनाने वाला हूँ ये पार्ट बाय पार्ट बनाऊंगा, इसमें एक ही वीडियो में सब नहीं डालने वाला हूँ बिकॉज आप शायद कन्फ्यूजन हो जाएगा बिकॉज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना वो बहुत डिटेल है। आपको किसी ने बताया है नहीं बताया मुझे पता नहीं, बट मैं जो आपको बताने वाला हूँ इसमें बहुत डिटेल है और डिटेल में जाएंगे पूरा। तो थोड़ा थोड़ा वीडियो करके करेंगे हम ताकि आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाए। तो कॉइल मशीन में आप अगर कभी कॉइल मशीन लेने जाएंगे, इसमें व्रैप्स होते हैं। व्रैप्स मतलब ये जो लपेटा होता है इसमें, ये जो तार है, अगर आप देखेंगे ये तार है आपके पास अगर कॉइल मशीन है तो देखना, ये तार लपेटा होता है। ये तीन तरीके से लपेटा होता है, एक होता है 8, एक होता है 10 और एक होता है 12, ठीक है। देख लो सामने लिखा है मैंने 8 10 12। 12 मोटा हो जाएगा थोड़ा, 10 इससे छोटा और 8 ये मेरा जो है ये 8 का है, ठीक है। तो अभी आप सोच रहे हैं ये 8 का है, 10 का अच्छा होगा या 12 का अच्छा होगा, ये आपको कन्फ्यूजन आएगा ये तीन में, ठीक है। इनमें से तो जब आप कोई कॉइल मशीन लेते हो कंपनी का तो कंपनी लिख के देती है, पर जब आप नॉर्मल कंपनी का लेते हो तो आपको कभी पता नहीं चलेगा 8 है 10 है 12 है, वो कभी नहीं पता चलेगा, ना लिखा होता है ना कुछ उसके बारे में किसी को आइडिया होता है, बस वो लोग अपने हिसाब से बना के डाल देते हैं, बस चलना चाहिए मशीन और कुछ नहीं। बट अगर आप कंपनी का लेते हो तो उसमें ऑलरेडी उसके डिस्क्रिप्शन में, जैसे कि मेरी ये ट्रेंडी की मशीन होगी तो उसमें लिखा होगा, या आप कोई भी मिकी शार्प लाइनर लो उसमें लिखा होगा कि 8 10 12 है 8 का है 10 का है 12 है। तो दोस्तों ये कंपनी लिख के देती है उसी हिसाब से वो बनाती है। तो इसका रीज़न क्या है, 8 10 12 का रीज़न क्या है? कुछ तो रीज़न होगा। तो दोस्तों 8 है तो 8 बार इसको घुमाया है, 10 है तो 10 बार घुमाया है, 12 है तो 12 बार घुमाया है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मोटा हो जाएगा ये और ये मशीन की वजन बढ़ जाएगी, पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी बात दोस्तों, आपने नीडल चलाई होगी, हमेशा नीडल होती है 5, ये हो गया मशीन, ये मशीन रैप से, ठीक है, कॉइल रैप मैं इधर लिख रहा हूँ, ध्यान देना कॉइल रैप है। इसके बाद आती है नीडल्स। दोस्तों जो वीडियो में देख आपको बता रहा हूँ ना, ये वीडियो आपके जो फीलिंग के डाउट, जिसको फीलिंग का डाउट से, ये मेरा वीडियो मिस मत करो क्योंकि आपने अगर मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे तो वो भी देख लो, सारे वीडियो में आपको फीलिंग्स के लिए कुछ ना कुछ है, तो ये भी फीलिंग से रिलेटेड है क्योंकि सारे पॉइंट्स मिलके एक पॉइंट बनता है, तो एक पॉइंट डायरेक्ट नहीं बता सकते आपको। तो देखना, नीडल्स के बारे में बताता हूँ। जैसे कि नीडल में आते 3RL, अगर आपको नीडल की वीडियो देखने तो मेरा पिछला वीडियो बना है वो भी देख लो, नीडल के ऊपर 5RL 7RL 9RL 11RL, ये दोस्तों ऑड नंबर्स में चलता है, ठीक है। फिर 13RL, तो ये जो होता है नंबर्स नीडल्स के, ठीक है। तो क्या होता है, अगर 3 है तो उसमें 3 नीडल है, 5 है तो उसमें 5 है, 7 है तो 7 नीडल, ऐसे नंबर्स के हिसाब से वो बनते जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो 8 है तो इसकी ताकत कम है, सीधी बात है, 12 से कम 8, तो 8 की जो ताकत होगी ना दोस्तों वो सिर्फ यहाँ से लेके ना यहाँ तक, ठीक है। ये 8 की जो ताकत है वो यहाँ से लेके यहाँ तक की मशीन को सपोर्ट, नीडल्स को सपोर्ट करती है, और जो इसके बाद वाली होती है ना वो 10 से लेके 12 आराम से सपोर्ट करेगी। 12 जो हो गया आपका सबसे ज़्यादा नीडल होगा ना, जैसे कि मैग्नम
मैंने इसके ऊपर बनाया नहीं है वीडियो मैग्नम के ऊपर, फिर भी बता देता हूँ आज। मैग्नम या फ्लैट, या जो बड़े बड़े नीडल्स आते हैं ना, ऐसे फ्लैट नीडल्स आते हैं राउंड मैग्नम ऐसे ऐसे, तो उसके लिए 12 नंबर सबसे बेस्ट है, बाकी ये 10। जैसे कि आपको फिलिंग करना है, बड़ी नीडल से फिलिंग करना है, बड़ा ज़्यादा है, 10 और 12 का रैप का मशीन ले लो, अच्छे से फिलिंग होगा। होता क्या है ना दोस्तों, ये जो है इसमें नीडल ज़्यादा हो जाते तो ये इसको सपोर्ट करते, बस ये डिफरेंस है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। कई लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा कि क्या है इसका मतलब, 8, 10, 12 कुछ भी मशीन लिया कुछ भी काम किया, 12 का मशीन लिया 3 RL घुसा दिया, जबकि ज़रूरत ही नहीं है। ये जो मेरा है 8 रैप का है, इसमें मैं 7 RL की नीडल से लाइनिंग, अच्छा आप मुझे बताओ लाइनिंग कितनी मोटी से मोटी करोगे, 7 RL बहुत हो गया, उससे मोटी करना है तो मतलब बीच में फिलिंग करना है, वो लाइनिंग नहीं है, 2 लाइन मार के बीच में फिलिंग करने वाली बात हो गई। तो दोस्तों अगर आप इसका 8 रैप का लेते हैं ना, तो आपकी लाइनिंग का जो हीटिंग है वो प्रॉपर हो जाता है, और आपकी 3, 5, 7 की नीडल प्रॉपर बैठती है और प्रॉपर हीटिंग देता है, इसको पावर कम लगता है और ये हीटिंग प्रॉपर आती है, ठीक है। तो इसके लिए 8 रैप की, देखो मैं इतने सालों से कर इसी से काम कर रहा है, बट रही बात शेडिंग की, फिर से बताता हूँ, 8 रैप लाइनिंग, 10 और 12 जो होती है वो फिलिंग और शेडिंग, समझ लो ये 10 और 12। अभी आप सोचेंगे 10 और 12 से लाइनिंग भी कर सकते हैं ना, कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी नीडल बड़ी है तो आप लाइनिंग ले लो, बट अगर आप छोटी नीडल से कर रहे तो स्किन टियर होने का, डैमेज होने का ज़्यादा चांस हो जाता है, ज़्यादा ताकत रहता है, ज़ोर से मार देगा सुई को, तो 8 नंबर की जो मशीन होती है, i8 coil wrap जो मशीन होती है, वो आराम से 3, 5, 7 के लिए बहुत इजी हो जाता है। ज़्यादा बड़े नंबर वाले आप 8 में डालोगे तो परफॉर्मेंस मशीन का खराब, अभी मशीन के सामने इतना सारा नीडल और चलाने के लिए 8 सवाल ही पैदा नहीं था, 8 के ऊपर के नीडल वो चलाएगा ही नहीं, 9 चला ही नहीं पाएगा, 7 ही चला पाएगा, 10 9 को चला पाएगा, 12 ये सब आपका, ये तो 12 तो इसके आगे के भी चला लेगा, तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये एक अहम चीज़ जो है रैप के बारे में, इस कॉइल के रैप के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अभी आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होगा आप मेरे वीडियो में ज़रूर डालिए, कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा, ताकि मुझे पता चले आपको क्या डाउट है, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोग हैं ना ऐसा अलग से कॉइल ले लेते हैं, इसमें ऐसा लगा देते हैं, तो वो काम नहीं करेगा आपका, क्योंकि ना इसके आगे बहुत टॉपिक है, जो कंपनी मेड होती है ना प्रॉपर फ्रेम वाइज सब कैलकुलेशन करके बनाती है, तब जाके मशीन का हीटिंग प्रॉपर आता है, कि हीट होना प्रॉपर है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ लो दोस्तों, ये छोटी छोटी टॉपिक है जो आपके फीलिंग में, देख अभी आप समझ गए फीलिंग और शेडिंग के लिए कौन सी मशीन चाहिए, इतना देर आप समझ ही नहीं रहे थे, आप सोच रहे होंगे इससे आपने काम किया होगा, आपका आएगा इससे भी, पर उस हिसाब से आपका प्रैक्टिस है या नहीं, आपका उतना नॉलेज होगा तो आप शायद इससे भी कर लोगे, पर अगर बड़ा पैकिंग करना है तो सॉली सीधी बात है ये मशीन आपकी काम में नहीं आएगी, यही 10 और 12 रैप की आपको कॉइल की मशीन लेनी पड़ेगी, ताकि वो देखा दोस्तों मशीन ऐसे होते हैं, आप जब चालू मशीन लेते हैं ना, ये सब चीज़ हम देखते नहीं और खेलते रहते सारी ज़िंदगी भर कि ये होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, आपका डाउट क्लियर नहीं होता है, तो ये बात समझने की ज़रूरत है आपको दोस्तों। इसके बाद एक और टॉपिक मैं आपके सामने छेड़ रहा हूँ, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज करूँगा, वीडियो को लंबा नहीं करना है मुझे। अभी इसमें 2 मशीन आती है कॉइल मशीन में 2 मशीन आती है, 2 टाइप्स, ठीक है, 2 टाइप होती है, एक होती है लाइनर और होती है, ये बहुत जन को पता होगा शेडर, बहुत जन को पता होगा इसमें 2 आती है मशीन, एक लाइनर अलग से आती है, एक शेडर अलग से आती है। शेडर जो आती है हमेशा 10 और 12 के इसमें आती है, और लाइनर हमेशा 8 के इसमें आती है, 8 coil wrap जो मैंने आपको पहले बताया, ये 8, 10, 12 के शेडर, क्योंकि शेडर में क्या होता है, शेडर में हमेशा नीडल ज़्यादा होते हैं, तो शेडर हमेशा 10 और 12 के इसमें आती है और 8 में लाइनर आती है। तो दोस्तों अभी आप क्या बोलेंगे, मैं शेडर ले लूँ या नायलन ले लूँ, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन पार्ट होता है लोगों का, क्योंकि लोग 2 मशीन तो हमेशा लगती है और कोई एक मशीन ले लेता है, तो आदमी सोचता है कि शेडर लूँ क्या लाइनर लूँ। तो दोस्तों आप नए हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पहले लाइन बनाने सीखना है, उसी से ही फिलिंग करना है, तो इतना आपके लिए रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है आपको कि आप 2 मशीन ले लो। बट हाँ, अगर आपका एक लेवल ऊपर आता है तो आप ज़रूर लेना, मैं आपको कहूँगा ज़रूर लेना, ठीक है। तो अभी ये फ़र्क कैसे मालूम पड़े कि हमें लाइनर, अभी मैं इसको क्या बोलूँ, लाइनर की शेडर, तो दोस्तों इसका फ़र्क मालूम करने का बहुत सिंपल तरीका है,
या आपको कहीं भी कोई भी बता देगा, दुकान वाला भी बताएगा, नहीं बताएगा तो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो ये लाइनर मशीन है दोस्तों, एग्जैक्ट लाइनर मशीन। लाइनर मशीन कैसा मैं समझाता हूँ, ये आप देख रहे हैं ये वाली चीज़, ये जो ब्लैक कलर जिसमें ये लगा, ग्रूमट लगा, ये ठीक है। इसके ऊपर एक स्प्रिंग है, अगर आप ध्यान से देखो ये स्प्रिंग है, ये वाली जो इधर टच हो रही है, ये स्प्रिंग है ना, इसके अंदर है। मैं इधर ड्रॉ करके बता रहा हूँ, लाइनर का बता रहा हूँ, ये लाइनर के नीचे, ये देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये अपना यहाँ पे ये रबर लग गया, ठीक है, ये रबर लग गया। और इसके ऊपर जो है ये वाली स्प्रिंग, इसे स्प्रिंग कहते हैं हम, ये स्प्रिंग है, ये अंदर के तरफ है, जो यहाँ पे ये स्क्रू पे टच हो रही है। स्क्रू भी मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, ये स्क्रू के ऊपर जो है टच हो रही है, जो अंदर के तरफ है, अंदर के तरफ, उसको हम लाइनर कहेंगे। अभी मेरे पास शेडर मशीन नहीं, क्योंकि मैं शेडर में कॉइल मशीन यूज़ नहीं करता हूँ, मैं दूसरा मशीन यूज़ कर रहा हूँ। पर शेडर का मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, ये शेडर है, ये एक मैंने ड्रॉ कर दिया। और जो ये वाली जो स्प्रिंग होगी ना, ये स्प्रिंग ये यहाँ तक नहीं होगी, ये यहाँ तक होगी, इतनी लंबी स्प्रिंग होगी। और इसका जो ऊपर कॉन्टेक्ट स्क्रू होगा वो यहाँ पे ऐसा होगा, इसके ही लेवल पे यहाँ तक। दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो फिर से देख लेना, ये जो स्प्रिंग होगी ना, ये वाली, ये जो ऊपर है देखो, ये वाली, फिर से मैं समझा रहा हूँ, ये वाली, ये स्प्रिंग है ना, यहाँ तक नहीं होके ना, इसकी लंबाई यहाँ तक होगी, ये यहाँ तक है तो इसकी लंबाई समझ लो यहाँ तक लंबाई होगी, यहाँ। अभी यह अंदर है, इसके लेवल के अंदर, इस इतने जगह पे है, यहाँ से यहाँ पे है, तो ये लाइनर हो गया। लाइनर का स्प्रिंग हमेशा छोटा होता है, और इससे बड़ा अगर ये स्प्रिंग यहाँ तक आ गया, समझो ये स्प्रिंग की लंबाई अगर यहाँ तक हो गई तो इसके लेवल पे आ जाएगा, या अभी इस लेवल पे, ये इस लेवल पे आएगा, तो समझ लो वो हो गया शेडर आपका, ठीक है। ये स्प्रिंग छोटी है तो ये लाइनर का ही काम करेगी। तो दोस्तों लाइनर पहचानने का तरीका सिंपल है, स्प्रिंग अंदर है तो ये लाइनर है, स्प्रिंग की लेवल अगर बढ़ चुकी है तो वो है आपका शेडर। देखो समझ में आ रहा होगा आपको, सिंपल सा फिर से रिवाइंड करके देख लेना। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, ऊपर की स्प्रिंग जहाँ पे रबर लग के आया है, फिर से समझा रहा, ये वाली स्प्रिंग, ये देखो, ये वाली, ये जिस पे मैं पेंट का निप टच कर रहा हूँ, ये इधर कॉन्टेक्ट स्क्रू को टच होती है, देखो ऐसे टच होती है, ऐसे टच होती है। तो ये क्या है, ये अंदर के तरफ है, जिधर मेरा उंगली है उससे इतना दूरी पे है, ये दूरी पे, तो ये लाइनर हो गया। अगर ये जो स्प्रिंग है ना, यहाँ होता है, यहाँ ये लंबा, इसको अगर मैं लंबा करके यहाँ तक लेके आऊँ तो ये हो जाएगी शेडर। दोस्तों क्या है, मेरा बिजनेस नहीं है बेचने का सामान, तो मैं कहीं से आपको, मेरा अगर दुकान होता तो मैं आपको दिखा देता, बट आपको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप चाहे तो शेडर कॉइल मशीन है, गूगल करके आप देख लेना, आपको वो इमेज मिल जाएगी तो आपको पता चलेगा। थोड़ा गूगल करना, शेडर कॉइल मशीन लिख के देखो तो आपको पता चलेगा, ये लंबा है तो इसका मतलब है वो शेडर है। तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही कॉइल मशीन का जो नॉलेज है, इसके आगे मैं कॉइल मशीन के ऊपर और एक वीडियो करने वाला हूँ, जो कॉइल मशीन के लिए बहुत ज़रूरी है, कैसे चलती है, क्या चलती है और क्या रीज़न है इसका लाइन होने का। तो दोस्तों इसके ऊपर एक और वीडियो होगा जो मैं थोड़े दिन के बाद करूँगा। मैं नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो जाओ, पहले 8, 10, 12 फिर उसके ऊपर नंबर, नीडल के नंबर्स, फिर उसके बाद ये कम का छोटा स्प्रिंग, बड़ा स्प्रिंग, छोटा स्प्रिंग मतलब लाइनर, बड़ा स्प्रिंग मतलब शेडर। तो ये कन्फ्यूजन पार्ट नहीं होना चाहिए आपके लिए, इसलिए कि मैं ये वीडियो को यहीं स्टॉप करना चाहता हूँ। आपके कमेंट्स मुझे चाहिए दोस्तों, कमेंट्स अगर नहीं होते तो वीडियोस बनाने में क्या होता है, कमी पड़ जाती है। जब लोग सवाल पूछते तो हमें ऐसा लगता है हाँ ये भी टॉपिक क्लियर करना है लोगों का, बट हमें कोई सवाल पूछेगा नहीं, इसी वीडियो देख के चले जाएंगे तो फिर उसे कुछ पता नहीं चलेगा क्या टॉपिक है, तो हमेशा वो नॉलेज स्प्रेड नहीं होगा। तो दोस्तों ये फ्री नॉलेज है, आप देख सकते हैं ऑनलाइन और सीख सकते हैं, तो उसको बढ़ाना आपका काम है। मैं तो क्या है, मैं तो कर ही रहा हूँ हमेशा के लिए, मेरे लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो दोस्तों कमेंट ज़रूर करना कि क्या है, कैसा है, आपको कैसा लगा वीडियो, क्या समझ में आता है, क्या नहीं, मेरे बोलने में कुछ मिस्टेक है या क्या नहीं, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। गलती होगी तो सुधार दूंगा, सही होगा तो आगे बढ़ा देंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।